हेलो। सो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ठीक, सुनो। अगर हाँ ठीक है, मैंने आपको कंडक्टिंग स्फीयर करवा दिया। अब मैं आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर सबसे पहले करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड। ठीक, सुनो। अगर आउटसाइड की बात करें तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस स्फीयर को आपने चार्ज दिया, वो सारा चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा, वो इसके अंदर आपने जहां उसको चार्ज दिया है वो चार्ज वहां का वहां रह जाएगा। ठीक है, हाँ अब सुनो। अगर वो चार्ज वहाँ का वहाँ रह जाएगा तो इसका मीन ये हुआ, अब आपको इसके बाहर कोई पी पॉइंट है उस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको इसके बाहर किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप एक क्या करो, बड़ा सारा स्फीयर ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करो, ई डी एस कोस जीरो करो क्योंकि रेडियल है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करो, उसके बाद कोस जीरो करने के बाद ई बार ले लो, डी एस का एस कर दो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करो, एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, इधर ले आओ क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर करो, बस निकल गया। तो फिर इसमें और पीछे वाले में फ़र्क क्या था, ये तो उसमें भी निकाला था कंडक्टिंग वाले में, तो भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, बाहर वही कंडक्टिंग के होता है और वही नॉन कंडक्टिंग के होता है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, सरफेस पे भी, सरफेस पर भी आर की जगह आर रख दो तो जो उस वाले के होता है वही इसके होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें सेम चीज़ है। ठीक है, चाहे आप ये वाला करो, चाहे आप कौन से ही वाला करो, कौन सा कैसे कुछ भी करो, ऑल इज वेल। ठीक है, अब देखते हैं इनसाइड, उसमें इनसाइड कितना था एक बार रिकॉल करो। उसमें अंदर चार्ज ही नहीं था तो अंदर उसके कुछ नहीं था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था, जीरो था। अच्छा ठीक है, हाँ जीरो था। अब इसमें बात करते हैं इसमें इनसाइड क्या होगा, भाई इसमें तो चार्ज है अंदर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो बस इसका जो इनसाइड है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में पूछे भी तो भी, चाहे तुम लोग आउटसाइड और सरफेस वाले को एकदम चाहे लीचर तरीके से करो, इनसाइड वाला इतना ऐसे करके आना जैसे यू आर टीचिंग द एग्जामिना। ठीक है, हाँ सुनो, अब करते हैं इनसाइड वाला, इम्पोर्टेंट है, अभी पहले ही बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। सुनो, ये स्फीयर, अगर इस स्फीयर में ये चार्ज है, स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, ये स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, आपको इसके अंदर कोई आर पॉइंट तक निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, तो भी ये पी पॉइंट पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लिख दो फ्रॉम गाउस रूल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना? ठीक है, इसमें लिख दो इंटीग्रेशन ई डी एस कोस जीरो डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया ई, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई का ई डी एस का एस सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई का ई सिग्मा एस क्या है यहाँ पे, एस सरफेस एरिया है, किसका सरफेस एरिया है, उसका सरफेस एरिया है जो सरफेस खींची थी इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए। सीधा सा गोल्डन रूल है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेके एक गाउसियन सरफेस खींच दो, ये सरफेस जो खींच रहे हो ये खींच दो, इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस, और वो गाउसियन सरफेस का जो होता है एरिया वो होता है एस। तो 4πr² लिख दिया मैंने एस, आप बोलोगे गलत लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी गलत, क्योंकि 4πr² नहीं लिखना, 4πr² लिखना है, हमें गाउसियन सरफेस का एरिया लेना है। वहाँ पहले वाला डायग्राम में था ना, उसमें ये स्फेयर था और इसके बाहर पॉइंट था ये, तो वहाँ भी 4πr² लिख रहे थे, यहाँ भी 4πr² ही लिखेंगे, बस यहाँ पे पॉइंट अंदर है, ठीक है? तो गलती मत कराना कभी, वो वाला आर चिपका हो गलती से, ठीक है? इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में r² इज सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दिमाग से निकल गया, e की जगह e सिग्मा क्यू अपॉन में 4πε₀r². अरे सर कब से सिग्मा क्यू लगा रखा है, सिग्मा क्यू को क्यू के इक्वल करके और के क्यू अपॉन में r² लिख देते हैं, नहीं क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हमने सरफेस खींची, अब सिग्मा क्यू वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर है, हमें नहीं पता इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, हाँ हमें इतना ज़रूर पता है कि इस पूरे स्फेयर को हमने कितना चार्ज दिया है, तो भी फिर क्या करें, फिर तो ये लिख सकते हैं कि 4π3πr³ जो कि पूरा स्फेयर का वॉल्यूम है उसको कितना चार्ज दिया है क्यू, तो फिर जितने चार्ज निकालना है 4πr³ इसको कितना चार्ज होगा। आप छोटी क्लासों में एक काम करते थे, 15 रुपये के 10 आम तो 1 रुपये का 10/15 आम तो 30 रुपये का 10/15 × 30 आम 20 आम 4/3πr³ में क्यू चार्ज है, 1 यूनिट में वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा क्यू अपॉन में 4π3πr³ चार्ज, और हमें कितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है इतने वॉल्यूम में, तो हमारा जो सिग्मा क्यू है वो कितना हो जाएगा 4πr² में इंक्लूड चार्ज, ये तुम लोग इंग्लिश में देख लेना इसको क्या बोलते हो क्या लिखते हो, ठीक है, क्यू अपॉन में 4π3πr³ इंटू में 4π3πr³, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आया, ये आया सिग्मा क्यू इज इक्वल टू q r³ / r³, दैट्स इट। तो बस ये करो यहाँ पे, ये कितना होगा सिग्मा क्यू की जगह r³ क्यू अपॉन में r³ 4πε₀r² r² से r³ कैंसिल, ऊपर बच गया r, q r अपॉन में 4πε₀r³
के क्यू आर अपॉन में आर की क्यू। अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना व्हाट आई एम टोल्ड, व्हाट आई हैव टोल्ड। ठीक, क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो 20-25 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्लियर पक्का होगा, इतनी गारंटी है। ठीक, हाँ अब सुनो, इसके अलावा अगर बात करें तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सुनो, एक बार एग्ज़ाम के अंदर मुझे ढंग से याद तो नहीं, बट क्वेश्चन आया था कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ई निकालो और रो आर, ऐसा कुछ उसने कर रखा था, मतलब ये अलग सा ही फॉर्मूला दे रखा था कि ये प्रूव करो। तो बच्चे यहाँ तक निकाल के आए थे, और आपको एक चीज़ बताऊँ, उस साल पता नहीं तो उससे एग्जामिनर कोई अच्छा था या कुछ था, एक बच्चा यहाँ तक निकाल, सब यहाँ तक जो भी निकाल के आया था ना उसको भी उन्होंने मार्क्स दे रखे थे, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाकी हक तो नहीं बनता, वैसे देखो पूरे काटने का भी हक नहीं बनता, आप आधा नंबर काट सकते हो, क्योंकि मैं यहीं से समझाऊंगा तुमको आधा नंबर ही क्यों काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप है, उसके बाद वो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ है, सुनो मैं यहीं समझा देता हूँ इतने स्पेस में। अच्छा क्या बोला था, हाँ ये बोला था E क्या आया, के क्यू आर अपॉन में आर की क्यू। आप एक काम करो, सुनो इसको लुटा, इसको E क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन में 4πr² r² और सिग्मा क्यू आपका क्या आया था, सिग्मा क्यू आया था 4/3 πr³ क्यू अपॉन में 4/3 πr³ बटे 4πε₀r² ऐसा कुछ आया था। फिर हमने यहाँ बोला था कि 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमने क्यू आर की क्यू ऐसा कुछ किया था। आप एक चीज़ बताओ, टोटल चार्ज बाई में स्फेयर का टोटल वॉल्यूम ये क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो E क्या आया, रो 4πr³ बाई 3 4πr² ε₀। बस तो यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर के क्यूब से आर की स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो आर अपॉन में 3 ε₀। एक ये फॉर्मूला भी प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, बाकी चांसेस इसके है ज़्यादा, और चांसेस तो ये है कि आपको डायरेक्टली वो ऐसे बोल दे शायद कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए फील्ड निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ वो आप लोगों को बोल देगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात और सुनो, मैं आपको वैसे रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर ग्राफ बता देता हूँ दो चार। ठीक है, चलो इस वीडियो के अंदर ही ख़त्म करते हैं चैप्टर को ही। सुनो कैसे करते हैं ख़त्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग होलोस्फीयर, ये स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर को अंदर चार्ज दिया, ठीक है, वो सारा चार्ज किस पे आ गया, सरफेस पे, बस ये अंदर से क्या है, होलो है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये चाहे अंदर से होलो हो चाहे ये अंदर से होलो ना हो, हमारे भले से चाहे कुछ हो, हमें तो ये मतलब है ना शेप कैसी बनेगी। क्या एक चीज़ बताओ,
अगर ये होलो भी होता अंदर से तो भी इसको जो चार्ज देंगे वो सारा चार्ज कहाँ जाएगा कूद के, सरफेस पे, ठीक है। इसके आउटसाइड अगर फील्ड निकालेंगे तो वो कोई आर पॉइंट लो के क्यूपोन में आर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, दूसरा सरफेस पे निकालोगे तो वही आर की जगह आर रख देंगे। अब अगर ये होलो हो जाएगा तो इसके अंदर चार्ज रुकने थोड़ी लगेगा, ये होलो हो जाओ चाहे चार्ज तो फिर भी किस पे रहेगा, सरफेस पे। तो कहने का मतलब होलो होने पर भी अंदर की कंडीशन में फील्ड कितना, ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ फिर तो कि जो आपका वो वाला है कौन सा, एक मिनट ये लोगों किससे, हाँ सुनो, आपका वो वाला है जो कौन सा कंडक्टिंग वाला, कंडक्टिंग स्फीयर वाला, वही किसके लिए करना है, कंडक्टिंग होलोस्फीयर के कारण। तो बस लिख लेना अपनी नोटबुक या कुछ भी तुम जो कर रहे हो उसमें नोट्स मिलेंगे, उनमें भी यही लिखा है, सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपके सारे एप्लीकेशंस हैं वो कवर अप हो गए अच्छे से। यू कैन वॉच इट nth टाइम एज यू नॉट विश, मतलब तुम उनको कितनी भी बार दे सकते हो, जितनी बार भी तुम ना चाहो। बाय।